चल मर पड़ते गए हैं। चलिए मिले रुकिए, फिर अभी सभी यहीं पे रहिएगा और क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, ये आपको टाइप करके देने होंगे। अच्छा मैं स्क्रीन बंद कर देती हूँ। ओके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके एलिमेंट्री कैनाल थी उसकी आपकी जो भी लाइनिंग्स थी वो समझ में आ गई आपको, कितनी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें? फोर। कौन कौन सी? इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है? टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। चलिए फटाफट टाइप करके लिखिए सभी, देखते कौन सबसे पहले आंसर देता है। कॉमा कॉमा लगा के लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम लिखिए। कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल में? पेंक्रियाज, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये बताइए। नो नो, माउथ टीथ टंग नहीं होता है। नहीं, जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका मतलब होता है कि जो आपकी एलिमेंट्री केनाल है उससे जुड़े हुए तीन, एक तरीके से आप मेन मानते हैं उसमें आपका पेंक्रियाज है, फिर लीवर है, लीवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी होता है, और तीसरा है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स आपके तीन पेयर्स होते हैं। ठीक है, थीके? तो कौन कौन से होते हैं वो तीन पेयर्स? सलाइवरी ग्लैंड्स के कौन से तीन पेयर्स होते हैं बताइए। सलाइवरी ग्लैंड्स, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पांच एक्टिविटीज आपकी होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है पांच एक्टिविटीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? हिंट दे देती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशंस एब्जॉर्प्शंस एंड आवाज नहीं आ डीके रही है, कृपया करके जिसको जो भी बोलना है वो लिख के बताइए। फाइव एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नो 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 नो, ऐसे नहीं, एक के बाद एक, जो बिल्कुल सीक्वेंस है उसका उसी में बताइए। इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डेफिकेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन आर देयर? कितने टाइप्स के डाइजेशन होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? मैकेनिकल एंड केमिकल। इंजाइम्स वाला जो डाइजेशन है जिसमें इंजाइम्स की रोल होता है वो कौन सा डाइजेशन है? आप सभी लोग आंसर दीजिए। केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब ये बताइए कि जो आपके
माउथ होता है उसमें आपका कितने टीथ होते हैं, टोटल कितने टीथ्स होते हैं? 32, सबको पता होगा। अब इसमें से कोई बताएगा इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स कितने होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, ये सरप्राइज टेस्ट है आपका, संडे को नहीं होगा, संडे की बजाय आज ही हुआ है टेस्ट। आंसर दीजिए सभी लोग। 8, 4, 8, 12, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? इंसीजर 8, 4, 8, 12। ठीक है, अब ये बताइए जो आपका टंग है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स, उनको एक्चुअली में पैपिले बोलते हैं, और पैपिले के अंदर आपकी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। जो आपका फेरिंग्स है उसके कितने पार्ट्स हैं, और उनके नाम भी लिखिए। हाउ मेनी डिविडेशंस आर देयर ऑफ फेरिंग्स, कितने भागों में डिवाइड किया गया है फेरिंग्स को? 3। नेम देम। ओरो, ओरोफेरिंग्स। सीक्वेंस वाइज सबसे पहले नेजल कैविटी से स्टार्ट कीजिए, वहां पे कौन सा होता है? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड रेनेंजियोफेरिंग्स। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि जो आपका ये ओसोफेगस होता है, ठीक है, ओसोफेगस एक जगह होती है जहां पे वो डायफ्राम को क्रॉस करता है, उस जगह को क्या बोला गया है? डायफ्राम में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से आपका ओसोफेगस क्रॉस करता है उसको, और एंटर करता है आपका थोड़े से कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, क्या बोलते हैं उस जगह को? एनीवन? स्फिंक्चर, ओसोफेगल स्फिंक्चर जो होता है वो तो सबसे नीचे वाली एंडिंग होती है, वहां से आपका स्टमक शुरू हो जाता है। ठीक है, नो, उसको बोलते हैं हम, दोबारा से बताइए, कोई बताने का प्रयास कीजिए, क्या बोलते हैं उसको? ओपनिंग ऑफ डायफ्राम जहां से आपका ओसोफेगस पास होता है और क्रॉस करता है थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। चलिए मैं बताती हूँ उसका आंसर है ओसोफेगल हिएटस। ठीक है, ओसोफेगल हिएटस वो पार्ट है जहां से आपका जो ये ओसोफेगस है वो एंटर करता है आपका डायफ्राम, सॉरी उसमें एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने रीजन्स हैं उसके? 3। कौन कौन से? 4? 4 तो नहीं है, कौन कौन से चाहिए? 3 है, 4 है, जो भी उनके नाम लिखिए। ओके, फंडस, बॉडी एंड थर्ड वन। ओके, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसके सीक्रेशन के 3 फेजेस हैं, व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? थ्री फेजेस ऑफ सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर ओके, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टिनल फेज। ओके, अभी बताइए व्हाट इज द डाइजेशन टाइम? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसमें से क्या डाइजेस्ट सबसे पहले, सबसे पहले कौन सा डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में?
कौन से न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन सा डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन। एंड देन फैट। ठीक है, ओके। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके मेनली दो काम है। क्या काम है स्मॉल इंटेस्टाइन के? एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है और एब्जॉर्प्शन ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन खत्म होता है। अगर ऑप्शन में आएगा कि आपका डाइजेशन कहाँ खत्म होता है, ऑप्शन दिया जाएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और दो कहीं और दो दूसरे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप आंसर लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक कॉलन होता है। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? चार तरीके के कॉलन होते हैं, कौन कौन से? हाँ, सेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्टर, ट्रांसवर्स एंड सिलवर्ट। वेरी नाइस। ओके, आपके जो एनाल है उसमें दो तरीके की स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, नेम देम, जिनका मेन रोल आपकी अश्विनी मुद्रा जब आप करते हो ना उसमें होता है। एनएस में, हाँ जी, एनएस में दो आपकी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, कौन कौन सी? लेफ्ट मत कीजिए, मीटिंग आंसर दीजिए, इसमें आपका टेस्ट चल रहा है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि जो आपका एक्सक्रूटरी सिस्टम में, अभी बताया था, एक्सक्रूटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक्सक्रूटरी सिस्टम के? स्किन है उसका भाग की नहीं है? यस और नो? इज स्किन इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रूटरी सिस्टम? यस। वाई? क्यों है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट स्किन? क्या सीक्रेट होता है स्किन में से, या फिर क्या एक्सक्रीट आउट होता है? स्वेट। ओके, दूसरा है लंग्स। लंग्स में से क्या एक्सक्रीट आउट होता है आपका? तो लीवर नहीं, लंग्स। ठीक है, CO2, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, अब ये बताइए जो आपका लीवर होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं? दो। कौन कौन से? कौन कौन से दो लोब्स होते हैं? 24 लोग जुड़े हुए हैं एटलीस्ट। सभी लोग एक एक आंसर तो दीजिए, लेफ्ट एंड राइट। ओके, जो बाइल होता है वो कौन सीक्रेट करता है? बाइल जूस। लिवर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, अब बाइल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो कि आपका हेल्प करता है डाइजेशन में? क्या पदार्थ उसके अंदर प्रेजेंट होता है और किस चीज का डाइजेशन आपका बाइल जूस करता है, ये बताइए। आपके पांच न्यूट्रिएंट्स हैं ये, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो किस चीज को डाइजेस्ट करने का काम आपका बाइल जूस करता है? फैट फैट। ये क्या करता है? इमल्सिफाई कर देता है फैट को। ठीक है, जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो उसमें फिर कौन एंजाइम रिएक्ट करता है और उसको फर्दर फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है? लाइपेस। कौन सा लाइपेस? कौन सा लाइपेस फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड।
पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है जो कि पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, वो जो इमल्सिफाई फैट हो गया है उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। अब ये बताइए जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ओके, माउथ। कौन हेल्प करता है इसके डाइजेशन में, उस एंजाइम का नाम बताइए। सलाइवर, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है डाइसैचराइड्स में, उसको कार्बोहाइड्रेट को और छोटे भागों में तोड़ देता है, जैसे कि आपका हो गया सुक्रेस, हो गया माल्टेस, लैक्टेस, तो ये है आपके डाइसैचराइड्स, ठीक है। अब इन डाइसैचराइड्स को भी आपका पॉलीसैचराइड उसमें सॉरी मोनोसैचराइड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हु कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, विच एंजाइम? पेप्सिन, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ओके, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एंड विटामिन के, वाटर। ओके, अब ये बताइए जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होता है, स्मॉल का, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका 1 से 2 बार, 2 से 3, ज्यादा मैक्सिमम 3 है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसी टाइम पे उसका, उससे थोड़ा सा पहले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर आपका डिफिकेशन होता है। जब आपको सुबह अर्ज होती है एक्सक्रीट आउट करने की, उससे थोड़ी देर पहले ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, ठीक है।